एक चिट्ठी हमारे ही साथ में है, ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है, और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है, ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है, ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड के जयराम महतो के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने दो चिट्ठियां लहराते हुए झारखंड की नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों के कब्जे का मुद्दा उठाया है। जानिए कैसे यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों पर असर डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में झारखंड के जयराम महतो ने रांची प्रेस क्लब में दो चिट्ठियां लहराते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के भोले भाले लोग ठगे जा रहे हैं और बाहरी राज्यों के लोग यहां की नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। हम आज दो चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन दो चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है, इसमें जिनको नौकरियां दी गई हैं उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, सॉरी ये झारखंड की हैं, राहुल गांगुली, ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के। और एक चिट्ठी हम लेके आए हैं, क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी बिसुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारे ही साथ में है, ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है, और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है, ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है, ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है, मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7 महीना 2024, 23 तारीख 7 महीना 2024, 12 तारीख 7 महीना 2024, 13 तारीख 7 महीना 2024, 15 तारीख 7 महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए। 40% खनिज संपदा हम लोग हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से, कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। पहली चिट्ठी में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नियुक्त किए गए 28 लोगों की सूची थी। इस सूची में हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग शामिल थे। जयराम महतो ने यह सवाल उठाया कि क्या झारखंड अलग राज्य इसलिए बना था कि बाहरी लोग यहां की नौकरियों पर कब्जा करें? दूसरी चिट्ठी में झारखंड के उन प्रवासी मजदूरों की सूची थी जिनकी दूसरे राज्यों में मौत हो गई थी। जयराम महतो ने कहा कि यह पीड़ादायक तस्वीर झारखंड की है। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी, इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी, इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है, हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था, हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। जयराम महतो ने BCCL को भी चेतावनी दी कि अगर झारखंडियों के लिए 75% रोजगार सुनिश्चित नहीं किया गया तो कोयले की यह काली जमीन लाल होने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और बाहरी राज्यों के लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करना चाहिए। ये दो चिट्ठी हमारे पास है, अब ये दो चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे भोले भाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है, 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है, ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं, लेकिन आप जो अपेंड टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे रोक, इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। ये नहीं होगा, इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज 2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर, उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है, यह दुर्भाग्य का विषय है। यह था जयराम महतो के बयान पर हमारा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? क्या झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।